साथियों, आज हमारे देश में आदिवासियों का अत्याचार पूरे जोरों से हो रहा है। साथियों, आदिवासी जो जल जंगल जमीन को आज बचा के रखे हैं, आज हमारे जो कॉरपोरेट राज है विजय और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आदिवासियों को भगाने में लगे हुए हैं। जो आज हमारा प्राकृतिक संसाधन जो आज आदिवासी सुरक्षा बना के रखे हैं, आज हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको अपने अधिकार में लेकर हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको एकदम अपने अंडर में कर रही है और हमारी आदिवासियों को कम लेके जमीन और बड़ी बड़ी कंपनियों को अधिक पैसों में दे रही है। साथियों, जो आज हमारी जो महिलाएं हैं जो जंगल में जो जाती हैं, जो उनका जो खाद्य है जो महुआ है और जो उनका लकड़ी है वो आज जो जाती हैं तो वो जो वहाँ के जो वन अधिकार जो है वहाँ के जंगल के कर्मचारी है उन पर अत्याचार करते हैं। उन महिलाओं के साथ में गलत काम भी करते हैं और उन महिलाओं को जो लकड़ी लेने जाते हैं उनको भी मना करते हैं, उनको लेने नहीं देते हैं। साथियों, आज हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी पुरुष हैं, आदिवासी बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। उनको माने स्कूल ऐसे स्थिति है कि वो बच्चे जो जंगल में रहते हैं बहुत कम स्कूल आते हैं और बहुत कम पढ़ाई उन करते हैं। जो हमारी जो महिलाएं हैं 1 से 5 तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में वो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपना काम के अलावे और उनका कोई भी माने ऐसा दिमाग नहीं है जो वो लोग अपना काम कर सके। साथियों, हमारे आदिवासियों पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर हमला हो रहा है, उनको घर से बेघर किया जाता है, उनको जो उनकी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक उनका खाना है उससे भी उनको दूर किया जाता है। साथियों, जो हमारा मूल अधिकार है, जो यहाँ की मूल आदिवासी जो आदिवासी जो है यह उनको विलुप्त किया जा रहा है और हमारे जो आदिवासी को जो आज गवर्नमेंट जो कह रही है कि आदिवासियों को सुरक्षा पर ये एक आदिवासियों के ऊपर में एक जो गवर्नमेंट जो टुकड़ा दे रही है कि नहीं हम आदिवासियों को सुरक्षा कर रहे हैं, पर यहाँ आदिवासियों को सुरक्षा नहीं कर रही है, ये आदिवासियों पर चारों तरफ से हमला कर रही है। ये जमीन लेकर कंपनियों को दे रही है और कंपनी जो वहाँ पर वो लोग आदिवासियों का काम जो देने का है उनको काम भी नहीं मिलता है और वो जंगल से वो लोग शहरों में आते हैं काम करने के लिए, वहाँ पर उनको भी उत्पीड़ित किया जाता है। तो साथियों, हमारी जो आज के जो जल और जंगल जमीन को बचाना है, हमारे आदिवासी जो विलुप्त हो रहे हैं उसको हमको बचाना है, तब तो हम मूल निवास मूल आदिवासी कहलाएंगे। नहीं तो आज हमारे आदिवासी जो थोड़ा भी बहुत पूरे देश में है वो विलुप्त हो जाएंगे। हमारा कहना है कि हमें अपने जल और जंगल और प्रकृति के लिए हमको लड़ाई लेना पड़ेगा, तभी हमारा जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा। नहीं तो आने वाले समय में हमको जो आज सांस जो मिल रही है वो हमें सांस लेने की वो उसके लिए हमको सामने वाले को उसको देखना पड़ेगा कि हमको सांस लेना है कि नहीं। आज जो हमको फ्री में पानी मिल रहा है वो हमको कल फ्री में वो पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हमको खरीद के पानी मिलेगा। इसीलिए जल जंगल जमीन को हमको बचाना है और बचाएंगे तभी हमारी प्रकृति को सुरक्षा होगा। आज देखा जाए तो हमारी महिलाएं आज लकड़ी लेने के लिए जो जाती हैं वो उनको लकड़ी लेने के लिए नहीं मना करते हैं कि आप वहां से लकड़ी मत लीजिए। तो महिलाएं
को और भी शोषण होता है। वहाँ के जो फोर्स होते हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, वो आके उनके घर में उन पर अत्याचार करते हैं, और उनको जो जो कुछ भी हो जाता है तो उनको नक्सलाइट कह के और उनको मार दिया जाता है। तो हमें अपना आदिवासी जो विलुप्त हो रहे हैं उनको भी बचाना है। हम अपने आदिवासी भारत महासभा के नेत्री जो आह्वान करते हैं कि हमें अपने आदिवासियों को बचाना है। धन्यवाद।